ओम शांति विल टेक क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो ये दो हैं बट हम कंसाइज कर सकते हैं एक में ये कहती हैं कि क्लासेस सुन रहे हैं ये फोर फाइव मंथ से रेगुलर ज्वाइन होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने को इनको डिफिकल्टी हो रही है कहते हैं कि अभी मैं अपने थॉट्स और फीलिंग्स से साक्षी नहीं हो पा रही हूँ मेहनत लग रही है मन में भी बहुत संकल्प और दिख रहे हैं, जब तक मन संकल्प ना बोले तब तक लगता है कि मैं बाबा के साथ नहीं हूँ तो फिर मन ही कहता है ड्रामा के अनुसार जितना समझना है उतना समझ जाएंगे दीदी अपनी आत्मिक स्मृति स्वरूप में कैसे बने रहे एंड सेकंड इज आल्सो सेइंग कि मैं देख सकती हूं बट दूसरी आत्माओं के साथ कम्युनिकेट करने के टाइम अंदर की चेकिंग भी करती हूं चेकिंग और कम्युनिकेशन एक साथ नहीं हो पा रही है इनर चेकिंग करती हूं तो सामने वाले की बात नहीं सुन पाती हूं कंप्लीटली सामने वाले आत्मा को ऐसे लगता है कि आई डोंट हैव एम्पैथी ऑन देम सो प्लीज एक्सप्लेन सबसे पहले जरूरी है कि जब हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं एम श्योर पूरे दिन तो आप किसी से बात नहीं करते होंगे है ना तो जब आप अकेले में होते हैं या थ्रू आउट द डे या मेनी टाइम्स भी हमें ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा सोचने की भी राइट right? जैसे हाथ धो रहे हैं नहा रहे हैं शरीर को नहला रहे हैं है ना किचन में खाना बना रहे हैं जो भी पार्ट में आपकी एक्टिविटीज़ हैं हर एक एक्टिविटी में तो हमें ज़रूरत नहीं होती है कम्युनिकेशन की राइट right? तो जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन में नहीं है तब बहुत इम्पोर्टेंट है कि आ, एक तो इंटरेस्ट हो अंतर्मुखता में राइट right? क्योंकि एक्चुअल में क्या है जब हम बहुत बाह्य मुख होते हैं तो हमेशा हमारे मन को ये चिंता होती है दूसरे क्या सोचेंगे दूसरे क्या बोल कहेंगे अगर मैं अपने ऊपर अटेंशन रखूंगी तो दूसरों को लगेगा कि मैं तो सुन ही नहीं रही हूँ उनकी बात है ना और ये सब ये जो कि परमत का जो भय है दूसरे क्या कहेंगे दूसरे क्या सोचेंगे ये भय को भी आपको साक्षी होकर देखना है हाँ दूसरी आत्माओं के पाठ में उनको आपके अंदर चेंज लगेगा और वो हो सकता है वो शुरू शुरू में ये भी बोले कि आप बहुत कोल्ड हो गए हो या आप बहुत डिटैच uh, uh, हो गए हो दैट इज फाइन है ना परमत के भय से पहले साक्षी अपने मन के अंदर के हम्म सत्य में रहकर बाबा के साथ कि मैं और बाबा है ही कंबाइंड इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए आत्मा को मन को सारा टाइम प्रूफ चाहिए होता है राइट तो इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए तो इट्स इंपॉर्टेंट कि बार बार मैं आत्मा जितनी बार कुछ भी एक्टिविटीज में एंगेज भी हूँ सोलो सोलो मतलब अकेली हूँ पाठ में बाबा और मैं साथ हाँ तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी थॉट्स अराइज हो रहे हैं जो भी फीलिंग्स सामने आ रही हैं मैं चलते फिरते थोड़ा सा अटेंशन मैं कौन स्व की स्थिति पर अटेंशन मन को बाबा जैसे एक थॉट देता है मैं कौन हूँ और मैं जो दिख रहे हैं संकल्प आ रहे हैं थॉट्स आ रहे हैं मैं उनकी थिंकर नहीं हूँ है ना मैं थिंकर नहीं हूँ थॉट्स की मैं थॉट्स स्पॉन्टेनियसली आ रहे हैं आज क्या है हमारा बहुत ज्यादा अटेंशन अटैचमेंट अपने मन की आवाज से है हमारे मन में जो आवाज है थॉट्स जो बोलते रहते हैं जो स्टोरीज बनाते रहते हैं उससे सबसे ज्यादा अटैचमेंट है आज है ना तो लिविंग बीइंग को ये देखना है कि मैं सिर्फ प्रकाशित कर सकती हूँ मैं ना संकल्पों से बनी हुई हूँ ना संकल्प मैं क्रिएट करती हूँ ये स्क्रिप्ट के अनुसार ऑटोमैटिकली मेरे सामने आते हैं और जाते हैं राइट अगर लिविंग एवर प्रेजेंट लाइट संकल्पों से बनी हुई होती तो फिर संकल्प चेंज होंगे तो लिविंग लाइट की ट्रुथ भी चेंज हो जाएगी ट्रुथ की मेन फाउंडेशन क्या है सत्य की मेन फाउंडेशन है कि सत्य कभी चेंज नहीं होता एबसल्यूट सत्य कभी चेंज नहीं होता और हमेशा एवर प्रेजेंट है है ना अगर थॉट मेरे अगर मैं कोई भी थॉट का स्वरूप बनती हूँ फिर मैं उस थॉट का स्वरूप बनकर दूसरे थॉट को हटाने और मिटाने की कोशिश करूंगी तो मेरा जो ट्रू नेचर है एवर प्रेजेंट सत्य वो भी ऐसे लगेगा कि जैसे चेंज हो गया है तो ये पहले क्लैरिटी हो कि एवर प्रेजेंट लिविंग लाइट अपने संकल्पों से और बॉडी की सेंसेशन से बिल्कुल नहीं आ रही है अलग है है ना ना मैं बॉडी की सेंसेशन से बनी हुई हूं ना मन के मूड से बनी हुई हूं जब तक ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं लिविंग एवर प्रेजेंट पीसफुल लाइट अपने आप को अपने कंटेंट्स अपने सामग्री जो होती है अनुभवों की थॉट्स की उससे मिक्स ना हो अभी अटेंशन शुरू शुरू में ऐसे होगा फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप क्योंकि आत्मा का अटेंशन बहुत टाइम तक मन के अंदर एब्जॉर्ब रहा है ना पर आत्मा को अभी भी कुछ नहीं हुआ है पर अब मेरे अटेंशन को बार बार मुझे अपने ही अंदर रिलैक्स करना होगा थॉट से हटाया और अपने ऊपर वापस अटेंशन को रिलैक्स किया हम फोकस नहीं करते यहाँ हम रिलैक्स करते हैं अपने अटेंशन को है ना तो मैं लिविंग लाइट और बाबा टुगेदर मेरा अटेंशन मान लीजिए मेरी बीम ऑफ लाइट टॉर्च की जैसे बीम ऑफ लाइट होती है ना हमेशा ये एग्जांपल देते हैं कि जैसे हम ये वाला एक एग्जांपल देते हैं फोन के ऊपर टॉर्च दिख नहीं रही अभी हम ये एग्जांपल देते हैं कि मैं लिविंग लाइट हूँ और बाबा ये मैं हूँ हमारी जो लाइट है कई तरह के थॉट्स सेंसेशंस फीलिंग्स इमोशंस मेमोरीज इमेजेस माइंड में घूमती रहती है हाँ मुझ आत्मा का अटेंशन जब इन चीज़ों में कॉटअप है तो ये रियलिटी बन जाएगी क्योंकि थॉट्स चेंज हो रहे हैं मूव हो रहे हैं तो यही मुझे रियलिटी लगेगी है ना कि यही मैं हूँ और उसके साथ इमेजेस भी हैं तो ऐसे लगेगा कि मैं तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हूँ राइट right? तो अब मेरा अटेंशन मुझे मुझे आत्मा को अपना अटेंशन यहाँ से हटाकर फर्स्ट रेस्ट करें वापस अपने अंदर उसको ढीला छोड़ दें वापस कि वो आपके अंदर आ जाए हम्म तो आप कौन है आप तो थॉटलेस हैं आप आत्मा वर्डलेस हैं तो पहले अपने सत्य को जानें बार बार करना होगा आत्मा को अपने अटेंशन को पर ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं नहीं गए हो आप चाहे कितना भी आपका अटेंशन इमर्स्ड हो चुका किसी थॉट में पर आप आत्मा का ट्रुथ एवर प्रेजेंट पीस है चाहे आपका अटेंशन उस वक्त बहुत माइंड की सैडनेस में ही क्यों ना कॉटअप हो फंसा हुआ हो है ना और फील हो रहा हो बॉडी में भी एज अ रिजल्ट पर फिर भी आपका जो सत्य वो हिला नहीं है आप अभी भी वही ही एमर प्रेजेंट पीस हो जो अनुभव कर रही है पर होता क्या ये बहुत अपने लगते हैं क्योंकि बॉडी की फीलिंग के साथ मिक्स होकर एक्सपीरियंस अपना लगता है राइट right? तो उसको रिलैक्स कर लें अपने अंदर और बाबा के साथ देखें बाबा की तरफ कि मैं और बाबा के बीच में तो अटेंशन की भी जरूरत नहीं हम तो हैं ही कंबाइंड क्योंकि मैंने थॉट फीलिंग से इमेजेस से अपनी पहचान बनाई हुई थी तो मुझे लगा मैं बहुत दूर हो गई हूँ बाबा से एक्चुअली मैं और बाबा कंबाइंड और फिर आप अपने ट्रुथ में मन हो सकता है अभी भी बोलेगा चुप नहीं बैठेगा हो सकता है बोल रहा हो चुप बैठा हो पर आप अपना अटेंशन आत्मा बाबा की तरफ तो बाबा की तरफ आप अपना अटेंशन रखती तो आपको अपना इमेजलेस कि मैं आई एम तभी तो ये सारे अनुभव महसूस हो रहे हैं अगर मैं ही आत्मा ना हूं तो ये जितने भी माइंड बॉडी अनुभव दे रहे हैं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे ये क्लैरिटी आने लगती है इमेजलेस वर्डलेस थॉटलेस ट्रूथ की है ना तो जितना आई एम अवेयर फिर बाबा के साथ देखें बाबा एंड आई बाबा आई एम अवेयर कि ये फीलिंग्स आ रही हैं ये थॉट्स आ रहे हैं पर मेरा ट्रूथ नहीं है ये आपको सरेंडर बार 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 दिन में कई बार पर अपने सत्य की स्थिति में स्थित रहते हुए ये नहीं कि मैं उसका स्वरूप बनकर थॉट का और उदासी का फिर बोल रही बाबा आपको समर्पित नहीं होगा हम्म मेरा ट्रुथ नहीं बदल रहा है मैं वो के वो ही हूं और मतलब मैं फॉर हैप्पीनेस हूं जो उदासी की फीलिंग आई उसको भी बाबा को साक्षी होकर दे दी कि होकर मतलब साक्षी मेरा सीट है वहाँ से बैठ के मैं बाबा को बोल रही हूँ बाबा ये आया है कुछ टेम्प्री फीलिंग आई है आपको सरेंडर जो भी आया है इमेज आई है किसी की इमेज आ गई है उसके साथ कहानी भी आ रही है उसकी और वो रियल फील हो रही पर मुझे अपनी रियलिटी इमेज लेस रियालिटी पता है स्टोरी लेस रियालिटी पता है इमेज तो और ये स्टोरी आपको सरेंडर तो दिन में कई बार तो बाबा के साथ आपकी कंपेनियनशिप और ये कंपेनियनशिप जो बाबा के साथ है ये आपको आपके माइंड बॉडी के अनुभवों से मुक्त रखेगी ठीक है तो ये तो आप जिन्होंने भी ये दोनों ने क्वेश्चन पूछा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फाउंडेशन है बाबा के ज्ञान के क्लैरिटी के लिए हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से कनेक्टेड है कि जब हम साक्षी होकर कर्म करते हैं हर एक फीलिंग से इमोशन से या थॉट से लेकिन बाबा कहते हैं कि संकल्प करना भी कर्म में काउंट होता है तो ये मन बहुत अजीब संकल्प करता है तो क्या साक्षी होने से कर्म में काउंट नहीं होगा ओके वेरी गुड एक इम्पॉर्टेंट चीज है बाबा ये भी बताते हैं एक स्क्रिप्ट भी फिक्स्ड है है ना तो स्क्रिप्ट जो फिक्स्ड है उससे स्पॉन्टेनियसली अपने आप आएंगे थॉट्स है अब मैं लिविंग लाइफ जैसे ही उनसे अपनी पहचान बनाती हूँ तो फिर वो मेरा स्वरूप हो जाता है और उसे पहचान बनाने से स्वरूप होने से अब मैं उसका स्वरूप बनकर और दूसरे थॉट्स और क्रिएट अपने आप आते हैं उसके बाद और ऑटोमेटिकली फिर उसी स्मृति से दूसरे थॉट्स भी आएंगे तब बाबा बोलते हैं संकल्प भी तुम्हारा कर्म क्रिएट करते हैं राइट पर ये ही मैं लिविंग लाइट बाबा के साथ अपना थॉटलेस स्वरूप जानती हूँ साक्षी हूं कि हाँ ये थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं पर मेरा सत्य क्या है मेरा इंटरेस्ट मेरे सत्य में संकल्प क्या कह रहे हैं जो अपने आप आ रहे हैं मैं चूज नहीं कर रही हूं अपने आप आ रहे उसमें जीरो इंटरेस्ट जिससे मेरी पहचान ही नहीं बनेगी वो मेरा कार्मिक अकाउंट नहीं होता है ना जिस भी चीज से मैंने अपनी पहचान बनाई दैट इज माई कार्मिक अकाउंट कार्मिक अकाउंट मतलब क्या जो मेरी इस सेपरेट सेल्स की आइडेंटिटी को करे ना so हम बोलते हैं कार्मिक अकाउंट रीफोर्स लास्ट क्वेश्चन ये कहती है कि बाबा को ये दुनिया माउंटेन्स ट्रीज यहाँ सारी चीजें वाइब्रेशंस के रूप में दिखती हैं उनको सब सॉलिड नहीं दिखता फिर सत्युग की बाबा इतनी तारीफ क्यों करते हैं मुरली में भी बताते हैं कि सत्युग संपूर्ण स्वर्ग है त्रेता में भी सेमी स्वर्ग है अगर सब कुछ वाइब्रेशन है तो फिर किसी भी युग में तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए अच्छा वेरी गुड एब्सोल्यूट परस्पेक्टिव से वाइब्रेशंस भी प्योर और इम्प्योर होती हैं राइट right? तो हम जब देखते हैं बाबा के पर्सपेक्टिव से बाबा कभी भी मैनिफेस्टेशन के खेल में नहीं आते राइट right? हम आत्माएं अनमैनिफेस्ट हैं बाबा की तरह पर हम मैनिफेस्टेशन के खेल में आती हैं राइट right? तो अब हम अग अपने सत्य के एब्सोल्यूट सत्य के स्मृति में बाबा के साथ हैं तो हमारा जो पार्ट है हमारे अंदर आत्माओं के मैनिफेस्टेशन के लिए अगर हम अपने सत्य को जानेंगे तो हम प्योर हमारी जो ट्रुथ है हमारे अंदर से भी जो पार्ट मैनिफेस्ट होगा वो मैटर की एनर्जी के साथ मिलकर एक प्योर दुनिया क्रिएट करती है राइट है वो सब एक तरीके से देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन का खेल राइट पर अगर मैं अपनी प्योर स्मृति से एक्यूरेट स्मृति से इंटरेक्ट uh, करती हूँ एनर्जी ऑफ मैटर के साथ हम्म hmm? तो उसको हम बोलते हैं स्वर्ग बाबा स्वर्ग की इतनी महिमा क्यों करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा ने हमने पहले भी देखा है ब्रह्मा बाबा का माइंड यूज करते हैं प्योर माइंड राइट और डिस्क्राइब करते हैं हमको कि सत्युत तुम्हारा प्योर मैनिफेस्टेशन तुम्हारी प्योर स्मृति से कैसा होगा जब तुम आत्मा अपनी प्योर स्मृति में हो तो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन का खेल भी कितना प्योर होता है जब तुम अपनी इम प्योर स्मृति मतलब अपने आप को कुछ और ही मानकर चल रही हो संकल्पों का स्वरूप पुराने संस्कारों का स्वरूप मानकर चल रही हो तो फिर देखो तुम कैसी दुनिया मैनिफेस्ट करती हो तो तुम हे आत्मा मास्टर क्रिएटर हो राइट इसीलिए बाबा हमें बता रहे हैं कि जब ये एक रिजल्ट है आपकी प्योर स्मृति का ये नहीं कि उसका लालच दे रहे हैं बाबा हमें बाबा हमें सिर्फ बता रहे कॉन्सिक्वेंस क्या होता है अपनी प्योर स्मृति का है ना ये बता रहे हैं बाबा तो क्योंकि बाबा हमें पूरी नॉलेज टोटालिटी में देते हैं आधी अधूरी नॉलेज नहीं है उसकी तो जैसी मैं वैसी दुनिया <laughs> है ना अब ये कह रही हैं कि आ... स्वप्न की मुरली सुनने के बाद ऐसे विचार आया कि मैं ज्ञान डे टू डे लाइफ में यूज कैसे करूं ये तो स्वप्न की दुनिया है नहीं? तो अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है आदत पड़ी हुई है ज्ञान को हर आ, एस्पेक्ट में प्रैक्टिकली अप्लाई करने की तो अब मुझे लग रहा है आपने जो दोनों तीनों आंसर्स दिए हैं उनसे इसका भी ये भी आंसर क्लियर हो गया है एक्चुअली है ना एक ही चीज बोल सकते हैं कि एवरी थॉट इज अ ड्रीम वर्ल्ड हर संकल्प एक स्वप्न की दुनिया क्रिएट करता है अगर मैंने उसको अपना बिलीफ दे दिया तो है ना तो मान लीजिए एक मैं तो फॉर एवर एवर प्रेजेंट पीसफुल बीइंग हूँ एक थॉट आया कल क्या होगा पता नहीं भय का जैसे मैंने उसको बिलीव किया कि ये तो मैं हूं ये तो मेरी आवाज है ये तो मेरा थॉट है उसी वक्त जैसे एक ऐसी दुनिया को मैं जान दे दूंगी जो कि हजार थॉट्स उसके पीछे और आएंगे और वो सारी एक दुनिया क्रिएट करेंगे फियरफुल वर्ल्ड क्रिएट कर देंगे मेरे माइंड में और मैं आत्मा पूरी जो भी मेरे सामने सीन सिचुएशन आ रही है उसको उसी प्रिज्म के थ्रू देखूंगी दैट इज द ड्रीम वर्ल्ड है ना तो इसीलिए हमने बोला मन की भी तीन डायमेंशन होती हैं

आएंगी मतलब मुझे दुनिया उसी लेंस से दिखेगी है ना इसलिए बहुत ही जरूरी है अब तो ये पता होने के बाद कि ये सब मेरे अंदर के संकल्पों के द्वारा ये स्वप्न की दुनिया रची जाती है अब तो और भी ज्यादा टेंशन होता है कि मैं किसी भी संकल्प की दुनिया में ना फंसू अपने निराकारी निरसंकल्प स्थिति में रहकर बाबा के साथ अब मैं बाबा को हंड्रेड परसेंट बाबा ही मेरे लिए सोचता है बाबा ही मेरे लिए करता है ये अब और इजी हो जाता है मुश्किल नहीं और इजी हो जाता है और इनफैक्ट अब तो ये भी लगता है अब मुझे एक भी संकल्प के स्वप्न में नहीं फंसना है ना साकारी मन के थ्रू नहीं क्योंकि दुनिया जिस प्रिज्म से मैं देखूंगी वो उस अनुसार मुझे बाहर की दुनिया भी देखेगी पर मैं अपने पहले प्रिज्मलेस ट्रुथ को जानू अपने आ, uh, 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 क्या बोलते हैं नेकेड ट्रूथ को जानो साइलेंट ट्रूथ को जानो ओम साइलेंट तक पॉसिबल नहीं है नहीं तो हाँ जी अपने सत्य स्वरूप को अपने सत्य स्वरूप को जान जी थैंक यू सो मच आपने आंसर्स आई मीन बाबा ने आंसर्स तो दिए हैं आपके थ्रू बट फिर भी अगर किसी को नहीं क्लियर है तो देखे नाश कर गए ओके